बिहार में आज जो कुछ भी होना था उसका ट्रेलर एक दिन पहले से ही नजर आने लगा था। इंडिया अलायंस की पहली रैली के लिए भीड़ जुटाने की हर कोशिश हो रही थी। तेजस्वी यादव खुद आधी रात को पटना के गांधी मैदान पहुंच गए, लेकिन सवाल यह है कि ये भीड़ वोट में कितनी कन्वर्ट हो पाएगी, क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके साथ नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार ने कल मोदी के सामने ये कहा था कि वो कुछ दिन के लिए उधर उधर गायब हो गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव इधर चला मैं उधर चला वाला गाना ही गा रहे हैं और नीतीश कुमार को चिढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए इस बार सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी इस बार कुछ अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया, अरे चाचा जी। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया, उनको यही कहा कि पलटू राम है। आज रिकॉर्ड टूटा है, पूरी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। पटना के गांधी मैदान में जो जबरदस्त भीड़ नजर आई, क्या उसमें दिल्ली के लिए कोई बड़ा मैसेज छिपा है? क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में लालू यादव का खाता खुलेगा, या मोदी नीतीश की दोस्ती के सामने तेजस्वी का स्कोर नील बटा सन्नाटा रहेगा? बिहार की जनता किसके साथ है, इसे समझने के लिए 24 घंटे पीछे चलना पड़ेगा। पटना में गांधी मैदान में इंडी अलायंस की पहली बैठक के लिए 24 घंटे पहले से ही बिहार में रेला नजर आ रहा था। आधी रात से ही पटना के गांधी मैदान में भीड़ जुटने लगी थी। माहौल समझने के लिए तेजस्वी यादव आधी रात को ही गांधी मैदान पहुंच गए। खाना पकाना गाना बजाना सब कुछ एक दिन पहले से ही शुरू हो गया था। भीड़ जुटाने के लिए पटना में पूरा इंतजाम था, डांसर्स को भी बुलाया गया था और सिंगर्स को भी। ये सारी कवायद इस बात के लिए थी कि जब इंडी अलायंस के बड़े नेता अगले दिन मंच पर आए तो रंग फीका नहीं होना चाहिए। तेजस्वी मंच का मैनेजमेंट संभाल रहे थे और उनके बड़े भाई तेज प्रताप भीड़ का। ये सारा मैनेजमेंट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ये पहला लोकसभा चुनाव है जब लालू यादव की पार्टी के खाते में लोकसभा की एक भी सीट नहीं और तेजस्वी का पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर है। सब कुछ बेसिक से शुरू करना है। कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग लालच के कारण घुटने टेकते हैं मोदी जी के आगे, भाजपा के आगे, लेकिन मुझे गर्व है अपने पिता पर। कितने बड़े से बड़ी भी विपदा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने डरने का काम किया, कभी झुके नहीं कभी डरे नहीं। और हम विश्वास रहते हैं जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक, ये विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव सियासत के उस शिखर पर पहुंच पाएंगे जो लालू यादव ने देखा है? ये वही आरजेडी
जिसने 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 26 सीटों पर चुनाव लड़ा और 22 सीटों पर जीत हासिल की। ये वो वक्त था जब लालू यादव की पॉलिटिक्स पीक पर थी, लेकिन इसके बाद लालू यादव की पार्टी काफी नीचे लुढ़क गई। 2009 के चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली। 2014 के चुनाव में आरजेडी को फिर से सिर्फ 4 सीटें हासिल हुई। यह मोदी का पहला चुनाव था और 2019 में तो लालू यादव की पार्टी का स्कोर नील बटा सन्नाटा हो गया। अब क्या यहां से तेजस्वी इस ग्राफ को फिर उठा पाएंगे या नहीं, यह उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बनो लोग ना, हाथ उठाकर बताओ जो तैयार बनेगा, उठा रही है जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी। बिहार की पॉलिटिक्स कैसे बदली, मोदी के आने के बाद लालू तेजस्वी का स्कोर 0 कैसे हो गया? और सवाल ये भी है, जो लालू यादव माई माई की बात करते थे, उनके बेटे तेजस्वी या बाप बाप की रट क्यों लगा रहे हैं? कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है। उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का साथ है ना, विश्वास दिलाते हैं आप लोग। और आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आठ से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास यानी अधिकार नौकरियां विकास। लालू यादव की पूरी पॉलिटिक्स MY समीकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रही। M यानी मुस्लिम, Y का मतलब यादव, लेकिन अब तेजस्वी बाप वाली बात क्यों कह रहे हैं, ये उन्होंने खुद समझा दिया है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए का मतलब है आधी आबादी और पी का मतलब है पुअर यानी गरीब। माँ बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन माँ बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं, आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोद रहे हैं लोग। मोदी जी आए थे कल यहाँ, क्या बोल करके गए, वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है झूठ बोलने के। भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं लोग। बताओ, गोबर को गाजर का हलवा बना करके दे देते हैं, परोस देते हैं, झूठा लोग है ये लोग। इसलिए कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है,
अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है? मोदी जी, थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस बहुजन अगड़ा आधी आबादी और गरीब की बात तेजस्वी कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही मोदी के पाले में नजर आ रहा है। महिलाओं को मोदी का सबसे बड़ा वोटर माना जाता है, ये बात किसी से छिपी नहीं। फॉरवर्ड यानी अगड़ा वोट बैंक भी बीजेपी का ही रहा है। गरीबों के लिए मोदी इतनी स्कीम ला चुके हैं कि वो बीजेपी का मुरीद है। और बहुजन वोटर्स मोदी को कैसे वोट करते हैं, ये यूपी के इलेक्शन में क्लियर हो चुका है। बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। बिहार किसके साथ है, इसे समझने के लिए कुछ घंटे पीछे चलिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। 24 घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी बिहार में थे, पहले औरंगाबाद, फिर बेगूसराय। नीतीश कुमार मंच पर थे, मोदी के बगल में बैठे थे। लालू और तेजस्वी अब एक बार फिर से नीतीश को पलटू पलटू कहकर चिढ़ा रहे हैं, लेकिन नीतीश कह रहे हैं कि अब वो नहीं पलटेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, पांच से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। नीतीश ने जो कहा उस पर मोदी ने भी ठहाका लगाया और ये तस्वीरें तेजस्वी यादव ने भी गौर से देखी। अब वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी, जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यही रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक बार गाना सुने हैं आप लोग? ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आप तो यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। ये बात फैक्ट है कि इस वक्त नीतीश को मोदी की जरूरत है और मोदी के लिए भी नीतीश इम्पोर्टेंट है। लेकिन सवाल सिर्फ नंबर्स का नहीं,
मोदी मैसेज भी देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ आए हैं तो दोनों नेता वाकई साथ हैं और दोनों के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर भी होंगे। इसलिए मोदी का जब औरंगाबाद के मंच पर स्वागत किया जा रहा था, माला पहनाई जा रही थी, तो मोदी ने खुद नीतीश कुमार का हाथ खींचकर उन्हें पास बुलाया ताकि माला के अंदर प्रेम में दोनों नेता साथ साथ नजर आए और ये मैसेज दोनों ही पार्टियों के ग्राउंड वर्कर्स और पब्लिक के बीच जाए। ये मोदी क्या है, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। कहा कि भगवान जी को यही प्राण पखेरु प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे।